गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग मीठी की दुनिया। आप सभी को हैप्पी नवमी। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ नवमी पूजन की, मतलब माता के प्रसाद का भोग तैयार कर रही हूँ। तो माता के भोग में सबसे पहले बन रहा है यहाँ पर सूजी का हलवा, और साथ में एक गैस पर बन रहे हैं काले चने, तो वो भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और मिष्टी उठ चुकी है, मिष्टी कर रही है बाहर पेस्ट। और इस बीच मैं जा रही हूँ मिष्टी के पास, क्योंकि मिष्टी से पेस्ट तो हो जाता है बट उससे कुल्ला करना नहीं आता, उसके हाथों में इतना पानी नहीं आ पाता। तो हम लेडीज़ों को जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब सभी कामों को देखना पड़ता है, किचन के साथ साथ बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ मेरा हलवा तैयार होने में आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और यहाँ पर देखिए काले चने भी बन गए हैं, मसाले वाले काले चने। आपको सूजी के हलवे का कलर येलो दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर मैं हल्का सा फूड कलर डालती हूँ। बच्चे ना थोड़ा कलरफुल चीज़ें अच्छे से खाना पसंद करते हैं, और मिष्टी तो खास करके हमारी इस तरीके का ही हलवा खाती है। और चने में मैं डाल रही हूँ सबसे एंड में यहाँ पर चने मसाला। तो यहाँ चने भी मेरे तैयार हो चुके हैं, और हलवे में अभी मुझे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट्स को मैंने पहले ही रोस्ट करके रख लिया था, तो इन्हें भी हम ऐड कर देते हैं। और ये देखिए हलवा बनकर हो गया है तैयार। तो सबसे एंड में मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड किया है, इसलिए आपको ये किनारियों से घी दिखाई दे रहा है। और चने भी अच्छे से तैयार हो गए हैं, तो माता का भोग तैयार हो चुका है। और अब बना लेते हैं थोड़ी सी पूरियाँ। तो मैं पूरी अभी सारी नहीं बनाऊँगी, अभी सिर्फ माता के भोग की तैयार करूँगी। उसके बाद मुझे पूजा करनी है, फिर और पूरियाँ उतारने के बाद बच्चों को बुलाने जाऊँगी। और इन 2 दिन ना बच्चे भी आसानी से नहीं मिल पाते, बच्चों की बहुत ज़्यादा बुकिंग रहती है। मतलब एक घर में जब खाने आते हैं ना, तो बस उनके मुंह से यही निकलता है कि आंटी जी जल्दी कर लीजिए, हमें दूसरे घर में भी जाना है। तो मैं सब काम तैयार करने के बाद ही बच्चों को एंड में बुलाऊंगी। और यहाँ पर हमारी पूजा भी हो गई है, छोटा सा माता रानी का हवन भी हो गया है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। लेकिन अभी नारियल का तोड़वाना बाकी है, तो इसे अभी हस्बैंड तोड़ने वाले हैं, और इसका जो जल है वो सब चारों दिशाओं में छिड़क देंगे। और यहाँ हमारी मिट्ठू रानी अपनी पॉकेट मनी में से भगवान जी को पैसे चढ़ाकर उनका आशीर्वाद ले रही हैं। फैमिली, अब हो रहा है इवनिंग का टाइम, और मैं उठी हूँ सोकर, तो आपको दिख रहा होगा वैसे तो फेस से। और दूसरी तरफ बैठी हुई है मिष्टी, तो कुछ एक्टिविटी दिखा रही है वो मुझे, जिससे मुझे हंसी आ रही है। तो कन्ने और बरुआ जब खाकर चले गए थे, उसके बाद मैंने कुछ सूट नहीं किया, क्योंकि ब्लॉग हो जाता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग, और फिर आप लोग होने लगते हैं बोर, थकान हो गई थी। उसके बाद मैंने वही किचन की क्लीनिंग की, कपड़े उपड़े धोए, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई। और अब उठी हूँ मैं सोकर, शाम की जो है झाड़ू लग चुकी है, चाय बनानी है लेकिन मुझे अभी। और मिष्टी को क्या क्या मिला,
वो आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे तो ना मिस्टी ना अपने मन की है, मिस्टी को कल से इतना लोग बुलाने आ रहे थे लेकिन मिस्टी मुंह पर मना कर दे रही थी, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। जो लोग थे ज़बरदस्ती ले जा रहे थे ना, मतलब उनके यहाँ चली गई, मुश्किल से मिस्टी गई होंगी। मिस्टी कितना जगह गई होगी आप, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 जगह गई होगी शायद। एक नीचे दीदी हैं उनके यहाँ गई, 2-4 आस पड़ोस में हैं उनके यहाँ गई, मतलब नेक्स्ट गली में तक नहीं गई। इतना लोग बुलाने आए, सबको मना करती रही, और जहाँ हम बोल रहे थे ज़बरदस्ती कि मिस्टी जाओ चले जाओ बेटा, ऐसे मना नहीं करते हैं, तो रोना धोना स्टार्ट। मैंने कि भैया देख लो आप जो भी मिला है, मिस्टी दिखाती है, मिस्टी लेकर आओ बेटा आपको जो मिला है वो वहाँ से सब उठा कर लाओ। फाड़ दिया है ये जो है, ये कलर नहीं है, हाइलाइटर है ना मिस्टर? ये मेरी वो है रेजर। ये तो पता है सबको यार, ये मिस्टी को स्टील की प्लेट मिली है, तो मिस्टी को स्टील की प्लेट हर बार ही मिलती है, और एक भैया है उन्हीं के यहाँ से मिलती है हमेशा। मुझे तो यार पसंद आया। एक ये प्लेट है जिससे मिस्टी अलग से अपना खाना खाया करेंगी, और एक ये है इसमें सब्जी रख करूँगा इतने बड़े में, और एक ये है तो ये तो सब मेरे काम की चीजें मिल गई है, ये वाली चीजें तो मेरे काम की है। और ये मिला है मिस्टी को स्टील का ग्लास, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये देखो चम्मच, और एक ये मिली है इसमें मिस्टी मैगी खाएगी, है ना? पीछे हम खाना खाएंगे। बस फिनिश। और ये मिला है, ये मिला है किसने दिया है? आपने, वो मुझे पर्पल, आपने पर्पल। कोई बात नहीं यार, और मैं ये लेकर आई थी बच्चों को देने के लिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ना बिल्कुल भी जैसे होता है कैसे करो तो वो पिचकने लगते हैं, तो बस मैं यही चीज देख कर आई थी। मैंने कि मजबूत हो थोड़ा सा बस, खोलना, और टाइट भी बहुत है ना, टाइट है ना मिस्टू, और गहरा भी है तो मुझे तो सही लगे, है ना मिस्टू? मिस्टी ने रेड कलर चूज किया था, और मिस्टी का फेस देखिए कैसा हो रहा है। मिस्टी की छुट्टियां है ना, तो मिस्टी इस समय खेलने में इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि समझिए मुझे लगता है पूरे ही दिन खेलती हैं। बस ऊपर जब हम आवाज लगाते ना मिस्टी, तब मिस्टी की एंट्री होती है, वरना मिस्टी का बस चले तो मिस्टी घर में भी ना दिखाई दें। सभी बच्चों ने इस समय यही हाल मचा रखा है कि घर में तो उपस्थित ही नहीं है, बस खेलते रहो जी भर के। हम भी कुछ नहीं कह रहे क्योंकि 2-4 दिन में स्कूल खुल जाएंगे। और मिस्टी आप लोगों को बताएगी मिस्टी की इनकम कितनी हुई, तो आपने कितने पैसे काउंट कलेक्ट किए थे बेटा, काउंट किए थे आपने कितने बैठे थे? हाँ। कितना? 150। तो मिस्टी के 150 रुपीस कलेक्ट हुए हैं, और जब से चीज भी आती जा रही है उन्हीं पैसों में से, और वो जोड़े भी जा रहे हैं, है ना? तो गई नहीं मिस्टी, वरना इतनी जगहें मिस्टी ने छोड़ी है ना, अगर सब जगह जाती तो बहुत हो जाते, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे का मन हो तभी जाना चाहिए, जबरदस्ती करो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मिट्ठू हमारा रोने लगता है ना? और अब हमें पीनी है चाय, आप लोगों को पीनी है तो आ जाओ। ब्लॉग का कर देती हूँ मैं यहाँ पर एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाए ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता, है ना? तो हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अपना ही फेस देखकर हंसी आ रही है, हद। बोलो क्या बोलूं? क्यों हंसी आ रही है? मेरा फेस देख के। फेस क्या आपका जोकर की तरह है जो हंस रही है? मम्मी का फेस जोकर है? हाँ मुझे नहीं पता ना। इस ब्लॉग का कर देते हैं हम यहाँ पर ये एंड, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।